भाई और उनकी बहनों क्या हाल है। तो मैं वापस आके एक और व्लॉग के साथ, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है मुझे पता है, क्योंकि कमरा फुल ही खाली है, सिर्फ एक चेयर पड़ी है फिलहाल, फुल ही कमरा खाली है। कमरा खाली इस क्यों है, इसकी वजह मुझे भी नहीं पता फिलहाल तो। और अगर अभी तक आपने जो कि मास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड फॉर इंस्टाग्राम टिकटॉक सलमान आवर 000 लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी होता है। और यकीन करो मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, एक मिनट वेट जस्ट, जो मैं रात के 9 बजे शूट इसलिए कर रहा हूँ, सुबह से मैंने कोई शूट नहीं किया था, स्पेशल इंट्रो ही अब जाके हो रहा है। और इतनी ठंड है इस टाइम, मतलब होटल में आप लोग ये रात के 9 बजे, ठंड इतनी है कि समझ लो कुछ कह नहीं सकते, मौसम बहुत ठंडा हो गया इसलिए बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। तो कुछ मैंने वीडियो के बारे में कुछ सोच के रखा है तो वो देखते हैं, लेट्स गो। और यार इतबार करो कि यूट्यूब की हद तेरे मैंने क्या किया। फर्स्टली तो ये सेटअप, पहले शीशा वगैरह, ये सेटअप किया था, रूम क्लियर किया था यार, और फिर ये ट्राइपॉड लेकर आए थे हाल रोड से। और अब मुझे ये माइक, ये है भूया का माइक, कौन सा है, बाय MM1। ये माइक मैंने मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, उससे मैंने व्लॉग्स वगैरह देखे। और साथ ये इसका नाम मेरे ख्याल है गोरिल्ला ट्राइपॉड, आई थिंक सो गोरिल्ला ट्राइपॉड है। तो यार ये मुझे आया है गिफ्ट एक तरह से, थैंक यू फॉर दिस। तो यार मैं एक आपको चीज़ बताना भूल गया कि पहले तो यूट्यूब पे सर्च करो जोगी बास, तो आका भाई अल्हम्दुलिल्लाह टॉप है, 12 सब्सक्राइबर के साथ टॉप पे है। और लेकिन जब गूगल में भी सर्च करो जोगी बास तो तब भी टॉप पे ही आ रहा हूँ मैं, टॉप पे। लेकिन गूगल में सर्च करो जोगी बास तो मैं टॉप पे आ रहा हूँ। तो मैं कहा चेक करें कि वाकई पता नहीं, या फिर नाम की वजह से भी हो सकता है, नाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कोई वजह भी हो सकती है। तो फिर इसके लिए ना एक है ऐप जिसका नाम है एनीकेटर या अकीनेटर ऐप का नाम है। वो फेमस लोग को या कोई भी चीज़ को गेस करने में, यानी कि उसे कहते हैं, वो चैलेंजेस इस तरह के देती, तो उससे मैं अपने आप को गेस करवाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं क्या होता है, गैस कर पाता है कि नहीं। और गैस करके तो आई एम वेरी वेरी फेमस। तो पहले गूगल में आप लोगों को दिखाता हूँ कि गूगल में जो कि बात सर्च करो आ रहा है, उसके बाद क्रिएटर भी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यार सबसे पहले हम ट्राई करेंगे रूबिक्स क्यूब, कुछ ना खास प्लेट नहीं हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में ये कहा था कि रूबिक्स क्यूब हम किसी व्लॉग में सॉल्व करेंगे, सो लेट्स ट्राई। तो यार सबसे पहले इसे करते हैं स्क्रैबल, और एट लीस्ट मैं पूरे 3 मिनट्स में शायद बिल्कुल अच्छे बहुत लेती थी, क्योंकि मैंने इसे अभी भी सीखा, मैं कोई खास प्लेयर नहीं हूँ इसका, सिर्फ इंजॉय के लिए है कि मेरा छोटा भाई ही लाया था, तो मैंने कहा यार से सीख लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। तो टाइमर 0 है, टाइमर को स्टार्ट करूँगा मैं, और साथ ही ये नीजी को स्टार्ट। यार अगर हुआ तो किसी ब्लॉग में इसे सिखाऊंगा भी हो सकता है। अच्छा एक ट्रिक है जो इसकी शायद ही किसी ने ट्रिक बताई होंगे, ये मैंने को ट्रिक देखी है, तो ये आर प्राइम को ये आंसर करके सॉल्व कर देता है, आर प्राइम ये नॉर्मली सबने ही देखा, लेकिन ये ट्रिक शायद ही किसी ने बताई हो कि ये ट्रिक मैंने खुद मेरे माइंड में आके चाहिए, हो सकता है कि नहीं तो ये फिर मैंने ट्राई किया। वो ट्रिक ये है यार, वो ट्रिक ये है कि ये जो लेयर है नीचे वाली, इसको पहले ट्विस्ट करना है, और ये मुझे इसका नाम नहीं पता, ठीक है, यानी कि ये सॉरी इसे ऐसे करके ऐसे, फिर ये नीचे लेयर को उठा के ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार नीचे से उठानी, फिर नीचे से 5 बार, फिर इसे घुमाना नीचे से उठा के ऊपर की,
फिर से एक साइड घुमा के नीचे से उठा के ऊपर की, फिर से एक साइड नीचे से उठा के ऊपर की, फिर से एक साइड घुमा के नीचे से उठा के ऊपर की। और ये बार बार आपको ट्रिक अप्लाई करनी है तकरीबन एटलीस्ट आई थिंक सो 11 to 12 टाइम, और ये दोबारा हो जाएगा। अब मैंने इसे स्लो मोशन में दिखाया है, वैसे फास्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ईजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ट्रिक बहुत ईजी थी। नहीं समझ आई हुई तो वीडियो दोबारा रीप्ले करके देख लेना और सब्सक्राइब कर दोगी बात। तो यार लेट्स वी ट्राई एक्यूरेटर। एक्यूरेटर जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ, वो एक ऐसी ऐप है जो किसी फेमस बंदा या कोई फेमस पर्सन उसको गैस कर सकती है कुछ पोस्ट क्लासेस के जरिए। मैं आवाज़ बात कर रहा हूँ इसके बाद भी बहुत बढ़ जाती है सुनते इसलिए आवाज़ बंद है ताकि मेरी आवाज़ प्रॉपरली माइक तक जा सके। ओके आई विल रीड योर माइंड प्ले। चलो लेट्स स्टार्ट। डज योर कैरेक्टर आर रियली एग्जिस्ट या डज योर कैरेक्टर आर फीमेल? नो। डज योर कैरेक्टर आर हैव अ गेमिंग चैनल? नहीं अभी तक तो नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है शायद। डज योर कैरेक्टर प्ले क्रिएट म्यूजिक? हाँ एक किया था लेकिन मतलब हिट भी किया था और डिलीट हो चुका, सिर्फ इंस्टाग्राम पे है तो नॉट। इज योर कैरेक्टर ओल्डर देन 20? नो। इज योर कैरेक्टर फेमस? नो। 12 सब्सक्राइबर लग गया फेमस हो गए। आर यू इन लव विद योर कैरेक्टर? नो यार मुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है। इज योर कैरेक्टर फ्रॉम योर फैमिली? नो। इज योर कैरेक्टर यार ऑसम? डोंट नो क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं ये नहीं जानता। इज योर कैरेक्टर स्टिल गो टू स्कूल? मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर एक या दो बार मैं जा चुका हूँ, मैंने स्कूल का जिक्र भी किया क्या। इज योर कैरेक्टर टैलेंट समवन? ठीक है नो। इज योर कैरेक्टर अ यूट्यूबर? या यूट्यूबर का जिक्र आया। इज योर कैरेक्टर अ फेमस यूट्यूबर? नो। लकी सर्च करेगा लगा लो शर्त। यू आर थिंकिंग क्या था? जो भी हो ये मुझे गैस नहीं कर पाया। आई एम नॉट फेमस बट आई फील इट। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं व्लॉग को एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना जोगी बस व्लॉग एंड फॉलो इंस्टाग्राम टिकटॉक सलमान ट्रिपल जीरो। ये मेरा ख्याल है मेरा पहला व्लॉग है जो 8 मिनट से 8 मिनट तक पहुँचे उससे ऊपर गया है, नहीं तो पहले 4-5 मिनट में ही खत्म हो जाते थे। ओका फिर।